नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव भदौरिया और आज हम लोग बात करेंगे कि हम गूगल मीट को किस तरीके से मोबाइल पे यूज़ करें। मोबाइल के साथ साथ गूगल मीट के साथ साथ हम लोग ऐसे कौन कौन से टूल यूज़ करें ताकि मेरा पूरा मैसेज मेरे बच्चों तक कन्वे हो जाए, है ना। जो एक तो तरीका ये है कि मैं ऐसे सामने रख लूँ अपने गूगल मीट को ऑन करके और फिर पीछे वाइट बोर्ड पर पढ़ाता रहूँ। तो वाइट बोर्ड का भी अपने पास रिप्लेसमेंट है, तो कैसे हम लोग वो सब यूज़ करेंगे, कौन कौन से टूल यूज़ करेंगे, उन सब के बारे में आज सीखेंगे। लेकिन एक टूल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैंने एक छोटा सा पेन ले रखा हुआ है, ये पेन है बाकायदा, आप इससे अपने कागज़ पे भी लिख सकते हैं, इसको आप मोबाइल का स्टैंड भी बना सकते हैं। रुकिए, मैं आपको कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको आप मोबाइल का स्टैंड भी बना सकते हैं, इसको आप ऐसे रख दीजिए। ये देखिए, मेरा मोबाइल बढ़िया से स्टैंड कर गया। आप इसमें जो भी देखना चाहें या बच्चे उसको देखना चाहें, क्लास अटेंड करना चाहें, आपको क्लास अटेंड करनी, तो आप इस तरीके से अपना मोबाइल का सेटअप कर सकते हैं। ऐसे भी खड़े कर सकते हैं और ऐसे भी खड़े कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा बीच में लगाना पड़ेगा, ये ऐसे भी खड़ा हो जाता है, ये देखिए, ठीक है। तो आपके मोबाइल के लिए स्टैंड का भी काम करेगा। उसके बाद ये क्या है कि इसमें पीछे एक टिप दी हुई है, ये टिप क्या है कि सेंसिटिव स्क्रीन का भी काम करती है, देखिए, है ना। और ये आप इसको देखें, तो मैं इसको ये ऐसे करके, ये कुछ भी आपको काम करना हो, जैसे ये देखिए, ये मोबाइल पूरा टच सेंस का भी आपका काम करता है। ये पेन जो है मोबाइल के साथ, हर मोबाइल के साथ चल जाता है, 20 से 30 रुपए का मार्केट में आएगा। तो अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हम लोग गूगल मीट को यूज़ करेंगे और अपने बच्चों तक अपने कंटेंट्स को पहुँचाएंगे। ये सेशन बहुत इंटरेक्टिव होने वाला है, इसलिए इसको पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ से गूगल मीट खोल रहा हूँ, तो आपको न्यू मीटिंग करनी है। न्यू मीटिंग करके जो कोड आएगा, कोड आपको बच्चों तक पहुंचाना है। जब बच्चों तक कोड पहुंच जाए, उसके बाद वो लोग उसको ज्वाइन करना शुरू करेंगे। ऑलरेडी मैंने चूंकि कोड को ज्वाइन कर रखा है, आप यहाँ पर देखिए, इसको मैंने ज्वाइन कर रखा है, तो मैं इसको रिज्वाइन कर रहा हूँ। अपने बेटे बोल रहा हूँ कि वो दूसरे कमरे से उसको ज्वाइन कर लेगा। बेटू ज्वाइन करो, बेटू ज्वाइन कर लो बेटा, ठीक है। अब बेटे ने इसको ज्वाइन किया, आवाज़ आ रही है आप तक? आवाज नहीं आ रही, ओके, रुको, मैं देख रहा हूं कि अभी भी नहीं आ रही। अच्छा, वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मेरा इसमें कैमरा ऑन है, और कैमरा ऑन होने की वजह से इसका माइक इधर बिजी है। कोई बात नहीं, आप उधर रहना है ना बेटा, तो आप ये मान के चलो बच्चों तक आवाज पहुंच रही है। इसमें इसलिए नहीं पहुंच रही क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग यूज कर रहा हूं और इसका जो माइक है वो रिकॉर्डिंग के समय इसका यूज हो रहा है। एक ही माइक दो जगह यूज नहीं हो सकता, लेकिन जब मैं सिर्फ गूगल मीट यूज करूंगा इसलिए मेरी आवाज वहां तक मतलब बच्चों तक जाएगी। अभी इसलिए नहीं जा रही है, बेटे को आवाज में उधर प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि इस समय जो माइक है वो रिकॉर्डर के लिए काम कर रहा है, ना कि गूगल मीट के लिए। तो आप ये मान के चलिए कि आपकी आवाज बच्चों तक पहुंच रही है। तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे अपनी स्क्रीन को शेयर करना है, ठीक है। वैसे मैं ऐसे ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊं तो थोड़ा सा कम दिखेगा। आपकी राइटिंग किस तरीके से आ रही है, बच्चे को पूरा विजिबल हो रहा नहीं हो रहा है, रेजोल्यूशन किस तरीके का है उसके मोबाइल का, तो इस पर भी बहुत डिपेंड कर रहा है, लाइटिंग कैसी है। तो इससे बेहतर है कि मैं अपनी स्क्रीन में ही कुछ ऐसा करूं कि मेरा व्हाइट बोर्ड का काम चल जाए। तो मैं क्या करूंगा, अपनी स्क्रीन को पूरा प्रेजेंट कर दूंगा, बच्चे को वहां पर स्क्रीन दिखने लग जाएगी। ये प्रेजेंट किया, स्टार्ट प्रेजेंटिंग, तो बच्चे को वहां पर स्क्रीन दिखने लग जाएगी, ठीक है। अब मैंने इसको मिनिमाइज कर लिया, और मिनिमाइज करने के बाद मैंने ये जैम बोर्ड, ये जो आप देख रहे हैं ना जैम बोर्ड, मैंने खोला। तो मैंने कुछ प्रैक्टिस की थी, कोई अगर आपको फाइल डिलीट करनी हो तो डिलीट रीनेम कुछ भी यहाँ से हो जाएगा, ये फाइल भी खुल जाएगी, है ना। इसको बैक जाइए आप, और ये मैं इसको डिलीट करना भी आपको बता दिया कि किस तरीके से हम पेजेस को डिलीट करते हैं और आप किस तरीके से इन पेजेस को अपने पास स्टोर करके भी रख सकते हैं। मैं आपको एकदम खाली बता दे रहा हूँ, जब आप जैम बोर्ड शुरू करेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। अब इसमें क्या करना है, आपको इस प्लस बटन पे क्लिक करना है, ये वाली जो प्लस बटन आपकी है इस पे क्लिक करेंगे तो आपका पहला पेज यहाँ पर जैमबोर्ड का आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर बच्चों को लिख के दिखाना है, तो बच्चे के उधर पे स्क्रीन में आपको प्रेजेंट हो रही होगी। मैंने ये बैक किया, इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, ये देखिए इस तरीके से आ गया है, ये देखिए, है ना। अब मैं यहाँ पर लिखना, ये देखिए, ये पेन, अलग अलग तरीके के पेन आप इसमें यूज कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैं इसको यूज कर लूँ और नीचे किया तो हेलो, ये देखिए मैं पेन के थ्रू लिख रहा हूँ, इससे राइटिंग भी सही आ रही है। अब मैं उंगली से लिख रहा हूँ, ये देखिए उंगली से राइटिंग थोड़ी खराब आई, और जब मैं पेन से लिखता हूँ तो राइटिंग थोड़ी सी ठीक आती है। ये मैंने उंगली से लिखा, अब मैं पेन से लिख रहा हूँ, ये देखिए,
ये राइटिंग थोड़ी सी ठीक आई, मुझे डिलीट करना है, तो मैं इस तरीके से इसको उठाऊंगा और यहाँ से ये क्लियर कर दूंगा, ये सारा पूरा फ्रेम क्लियर हो जाएगा आपका। फिर से मैं पेन उठाया और जो भी मुझे लिखना हुआ यहाँ पर, मान लीजिए मुझे मैथमेटिक्स पढ़ानी है, तो मैं मैथमेटिक्स से लिखना शुरू कर दूंगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। इस तरीके से आप अपने पूरे फॉर्मूले लिख सकते हैं। केमिस्ट्री पढ़ानी तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर H2O या जो भी आपको प्लस ZN, ऐसे करके जो भी आपको इक्वेशन दिखानी हो आप दिखा सकते हैं यहाँ से। जूम आप कम कर सकते हैं, बाकी का पेज भी यूज कर सकते हैं, नए पेजेस आप ले सकते हैं, ठीक है, प्लस करके। उसके साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको सोशल साइंस पढ़ानी, सोशल साइंस में कोई आपको मान लीजिए मैप दिखाना है, तो मैप के लिए आप क्या करेंगे, पहले तो मैं इसको यहाँ से ये ब्लैंक कर दे रहा हूँ इसका, ये क्लियर करके ब्लैंक कर लिया, प्लस पे क्लिक किया, यहाँ से मैं इमेज लाइब्रेरी से इमेजेस को उठाऊंगा, ठीक है। अब मैंने कहा कि मुझे सोशल साइंस पढ़ाना है, तो मैं इस तरीके से सोशल साइंस को पढ़ाने के लिए इसको पूरा ऐसे, ये देखिए जूम कर लिया, अब बच्चों के पास ये मेरी पूरी स्क्रीन जा रही होगी, मैं उनको इस तरीके से समझा सकता हूँ कि बेटा ये देखो ये आपका ये अमेरिका महाद्वीप है पूरा, है ना, ये रशिया है आपका, इंडिया ये रहा छोटा सा, और ये अफ्रीका हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, इस तरीके से मैं समझा सकता हूँ उनको, है ना। अब आपने कहा कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, आप अंडू कर दीजिए एक एक करके, आपको बायोलॉजी पढ़ानी है तो प्लस करके आप इमेज लाइब्रेरी में जाइए, बायोलॉजी में मान लीजिए आपको आँख का सेक्शन पढ़ाना है, तो आप इसको ऐसे आँख करके ले आइए सामने, और फिर बच्चों को सामने सामने आप एलोबरेट करते चले जाइए, पेन टच करके आप उनके सामने एलोबरेट करते चले जाइए कि ये सेक्शन ये है, ये आपके आईब्रोज हैं, और इस तरीके से लेंस रहता है कि यहाँ से जब लाइट जाती है यहाँ पड़ती है, ये सब आप बता सकते हैं। ये आपका लेजर हो गया, लेजर में क्या है कि आपने कोई चीज़ समझा दी ऐसे पॉइंट आउट किया और फिर वो थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है, आपने कहा कि ये चीज़ यहाँ नहीं है, यहाँ होनी चाहिए, तो वो गायब भी हो जाती है, आपका डायग्राम भी खराब नहीं होता ऐसे करने से, ये देखिए, ठीक है। और इसके क्लिक करने से फिर मैं इसके इमेज को क्लियर कर लूंगा, एकदम साफ हो जाएगा। फिर से मैं क्लिक कर रहा हूँ, अब मान लीजिए आपने कहा कि मुझे लाइट पढ़ानी है या कोई और सेक्शन पढ़ाना है, तो आपने कहा लाइट पढ़ा लिया फिजिक्स का चैप्टर, तो अब आप यहाँ पर बाकायदा यहाँ से पेन उठाइए और बताने लग जाइए कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं जब लाइट इधर से आती है और इधर को जाती है, और इसके लिए आप लेजर भी यूज कर सकते हैं कि इसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। बढ़िया से आप पढ़ाइए, पूरी की पूरी स्क्रीन आपकी उधर शेयर हो रही होगी, तो इस तरीके से क्या होता है कि आप इस जैम बोर्ड का यूज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कंप्यूटर में तो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि जब सिस्टम में यूज करेंगे तो हम जैम बोर्ड को किस तरीके से यूज करेंगे, और ये था कि जब हम मोबाइल का यूज करेंगे तो हम लोग सिस्टम को ये मोबाइल में जैम बोर्ड का यूज कैसे करेंगे। तो ये तो था एक हमारा टूल जैम बोर्ड का। उसके बाद मैं आपको अगला टूल बताने जा रहा हूँ, ये मेटामोजी नोट, इसको आप क्लिक करिए, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, इसमें भी आप हैंडराइटिंग वगैरह सब लिख सकते हैं, हेलो ऑल या जैसे भी आपको करना हो, आप यहाँ पर पेन की जो मोटाई और वो सब कुछ है वो आप चेंज कर सकते हैं, है ना। दिस इज माई क्लास, मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ, और अगर आपको इसमें कुछ इंसर्ट करना है, जैसे आपने यहाँ से नोट्स में इंसर्ट कर लिया, और इसको ऑन करिए, प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप फोटो और वेब पेज और कुछ भी नोट्स वगैरह आप सब कुछ यहाँ से तैयार कर सकते हैं, आइटम कोई भी ऐड करना हो, फोटो आपको कैमरा से लेनी है, किससे लेनी है, एल्बम से लेनी है, एल्बम पे टच कर दिया आपने, आपने कहा कि मुझे यहाँ पर किडनी पढ़ानी है, आपने किडनी को ले लिया नॉर्मल, और आपको रेजोल्यूशन कैसा लेना है, ये देखिए थोड़ी सी इमेज बड़ी हो गई, आप और बड़ा इसको कर सकते हैं, फिर बाद में आप इसको अच्छे से समझा सकते हैं। ये देखिए आपको इसका कोई हिस्सा अलग करना है, मान लीजिए इसको बाहर टच किया और इसका लेसो टूल ले लिया, आपने कहा कि मुझे ये हिस्सा यहाँ से हटाना है, सॉरी ये पीछे वाला हिस्सा आपका वो हो गया, ये दिस वाला जो हमारा सेलेक्ट हो गया था, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस पर, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और लेसो टूल की सहायता से मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ, ये आपका रिमूव हो गया। ये इसके बाद मैंने प्लस पे क्लिक किया और फोटो ऐड किए और फोटो एल्बम से लिया, फोटो एल्बम से लेने के बाद जो भी फोटो आपको चाहिए है यहाँ से आपने उठा लिया, हाई इसका रेजोल्यूशन रखेंगे, देखिए ये पूरे पेज पे आपने फैला लिया, ठीक है। और इसके बाद आपको जो भी इनको समझाना हो, ये पेन उठाकर आप इसको समझाते चले गए, सॉरी अभी सिलेक्शन नहीं हटाया था, हाँ ये देखिए पेन हटा के आप इसको जो भी समझाना हो आप समझा सकते हैं, अपनी इमेज को पूरा डिस्क्राइब कर सकते हैं। आई एम नॉट अ बायोलॉजी टीचर, लेकिन उनके लिए मैंने आपको एक टूल बता दिया है। फिर आप टेक्स्ट को लेकर यहाँ पर जहाँ पर भी आप लिखना चाहते हैं उस जगह आप टच कर दीजिए, ठीक है, और टच करने के बाद आप इसमें चाहे जितना बड़ा ये करके टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, दिस इज
हार्ट, ठीक है। और इसके बाद इसको सिलेक्ट कर लीजिए आप। सिलेक्ट करके इसके जो टेक्स्ट वगैरह हैं इनको आप बढ़ा सकते हैं, जूम कर सकते हैं। ये देखिए, आप जहाँ पर चाहें लेबलिंग कर सकते हैं, इस तरीके से आपका लेबल बन जाएगा। तो ये तो था हमारा, ये टेक्स्ट को बंद कर दिया हमने। टेक्स्ट में से आप इसको थोड़ा सा ये व्यू मोड में ले आइए, इसको व्यू मोड में लाके देखिए, आपको इस तरीके से दिख रहा है। थोड़ा सा इसका जूम बाहर निकल गया था, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। नए पेज जोड़ने हो तो आप यहाँ पर टच करिए प्लस पे, देखिए तीसरा पेज आपका आ गया। तो ऐसे करके आप मल्टीपल पेजेस के नोट्स भी बना सकते हैं, बाद में इनको रीयूज भी कर सकते हैं। अगर आपने आज क्लास में कुछ पढ़ाया है तो उसको आप बच्चों को भी बांट सकते हैं कि आप सॉफ्ट कॉपी इसकी दे दी, कि आपको जब कभी लगे कि हमने उस क्लास में क्या पढ़ा था, आप इन नोट्स को रेफर कर लीजिए, बच्चे उसको देख के तुरंत समझ जाएंगे सर ने हमको यहाँ पर ये समझाया था। तो ये तो था मेटामोजी लाइट। ये आपको देखिए मेटामोजी लाइट आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ये आपको दिख रहा है ना। और जो जैम बोर्ड है वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। स्लाइड्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे प्रोग्रामिंग पढ़ानी है मुझे, तो प्रोग्रामिंग पढ़ाने के लिए मैं फिर से वही यूज़ करूंगा। मान लीजिए मैं ये मोटामोजी ऐप को ले लेता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाने वाला हूँ कि मुझे ए इक्वल टू 10 चाहिए, बी इक्वल टू 20 चाहिए और सी इक्वल टू ए प्लस बी चाहिए, तो मैं ऐसे भी पढ़ा सकता हूँ और फिर मैं प्रिंट कर लूंगा सी को, ऐसे भी पढ़ा सकता हूँ। या दूसरा तरीका यह है कि मेरी स्क्रीन शेयर हो ही रही है, मैं इसमें अपना पाइथन का सॉफ्टवेयर खोल लूंगा। तो देखिए ये Python 3 आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, Q Python 3, और PyDroid 3 करके भी आता है। एक मैंने PyDroid 3 कर रखा हुआ है, इस पर आप लाइब्रेरीज भी ऐड कर सकते हैं, जो कंप्यूटर साइंस के टीचर्स हैं वो समझ सकते हैं। अब मैंने इसमें यहाँ पर लिखा ए इक्वल टू 10, एक छोटा सा प्रोग्राम आपको लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पर, बी इक्वल टू 20 और सी इक्वल टू ए प्लस बी एंड देन प्रिंट, ऐसे करके लिखा द सम इज कोलन और इसके थोड़ा सा इधर आकर यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा ये इस जगह पे। इसके बाद इसको डिलीट कर दे रहा हूँ कॉमा सी और फिर इसको लगा दे रहा हूँ, क्यों उतना झंझट ले। उसके बाद जब मैं इसको रन करूंगा तो देखिए आपको दिख रहा होगा द सम इज 30, यानी मेरा प्रोग्राम रन कर रहा है यहाँ पर ये। तो ये पाइड्रॉइड भी आप लोड कर लीजिए, कंप्यूटर साइंस के टीचर्स के लिए बहुत बढ़िया है। सॉरी पाइड्रॉइड, वो मेरा गूगल मीटिंग चली गई, ये रो में स्किप हो गया। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि मीटिंग में मैं किस तरीके से यूज़ करूंगा। मीटिंग मेरी हालांकि बंद हो गई, मैंने उसको सरका दिया है। अब वीडियो को तो मैं रिवर्ट ले नहीं सकता, बहुत लंबा वीडियो बन गया है। ये जो आप देख रहे हैं पाइड्रॉइड 3, कंप्यूटर साइंस के टीचर्स इसका यूज़ बढ़िया से यूज़ कर सकते हैं, और इसमें हम लोग लाइब्रेरीज को भी ऐड कर सकते हैं जो कि Python 3, Python Q Python 3 में अवेलेबल नहीं है। तो ये था ओवरऑल कि कैसे हम गूगल मीट को यूज़ करेंगे अपने मोबाइल के थ्रू। तो मोबाइल के थ्रू मेरा अंदाज़ा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरीके से अपनी स्क्रीन को प्रेजेंट करना है, और स्क्रीन प्रेजेंट करने के बाद हम कौन कौन से टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को मेरा वो टूल दिख रहा होगा, जो मैं यहाँ कर रहा हूँ अपने मोबाइल पे, मेरे बच्चों को दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, अपने अगल बगल सुरक्षा रखिए, कोशिश करिए भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएँ, और मास्क पहने रहिए। तो अगली क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। मेरा नाम है संजीव भदौरिया।